बोलनी महर्षि पुराण की सिकारा डमरुवाले जी का बोल सच्चे दरबार की बोलिए उमापति महादेव की। तो आज तीसरा दिन है महर्षि पुराण कथा का। आज आप सभी भक्तों को बताया जाएगा सती माता का अपमान। तो सभी भक्त बड़े प्रेम से सुनेंगे। जब सती जी वहां जा पहुंची जहां विशाल यज्ञ हो रहा था, सती को आई देखकर उनकी माता तथा बहनों ने तो सत्कार किया, किंतु दक्ष और उनके अनुयायियों ने कुछ भी आदर नहीं किया। सती ने समान भाव से प्रणाम किया। उनके हृदय में महान दुख था। उन्होंने विष्णु आदि देवताओं का को तो यज्ञ में पृथक भाग देखा, परंतु शंभु का भाग नहीं देखा कि मेरे स्वामी श्री भोलेनाथ जी को यहाँ पर कोई भी आसन नहीं लगाया है। इससे सती को महान क्रोध हुआ और वे बोली, आपने शंकर भगवान को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वे तो स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं, उनके बिना आपने यज्ञ का संपादन कैसे कर लिया? क्या आप शंकर भगवान को कोई साधारण देवता समझते हैं? यह तो आपने उनका अपमान किया है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी उनके यज्ञ के बिना कैसे चले आए? इस पर दक्ष ने क्रुद्ध होकर कहा, हे बद्रे, कहने से क्या लाभ? तू यहाँ क्यों चली आई है? तू चाहे रह चाहे चली जा, तुझसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं, यानी मेरा कोई रिश्ता नहीं। तेरा पति भूत प्रेतों का राजा है, जो वेद बहिष्कृत अकुलीन और अमांगलिक है, इसलिए तेरे उवेश वाले पति को नहीं बुलाया। इस पर सती ने कहा, हे पिताजी, जो शिवजी की निंदा करता है या सुनता है, वे दोनों ही नरकवासी होते हैं। इस प्रकार कहकर सती जी योग द्वारा शरीर बसम कर दिया। सती का देह त्यागना कि कैसे सती माता जी ने जो पढ़ाइयाँ होती हैं, जैसे रसोई लगी होती हैं, वहाँ पट्टियाँ होती हैं, उसमें कैसे अपने शरीर को डाल दिया। जब सती जी ने मौन होकर नींद बंद कर शिव का स्मरण कर योग द्वारा शरीर त्याग दिया, तब हाहाकार मच गया। उधर सती के प्राण छोड़ते ही शिव जी के गण हाथ में शस्त्र उठाकर खड़े हो गए। वे सब दिशाओं में प्रलय मचाने लगे। सती के 60,000 गणों में से 20,000 तो स्वयं ही शोक से व्याकुल होकर नष्ट हो गए। भृगु ने इसके निवारण के लिए आहुतियां प्रदान की। इससे ऋतु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हुए। उन्होंने शंकर जी के गणों से क्रुद्ध होकर युद्ध किया। उन्होंने शिव के गणों की शक्ति क्षीण कर दी। यह देखकर उस समय आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने बड़ा अनर्थ किया है। अपने घर में सबते आई हुई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती का तूने अपमान किया। अरे मूर्ख, तूने शंकर जी और सती का पूजन नहीं किया, तूने शिव की अर्धांगिनी सती का आदर करना ही योग्य था। यह तो अनादि शक्ति जगत की सृष्टा राधिका और कल्पांत में सहारिका है। इस प्रकार शंकर ही सबके स्वामी और सबके कल्याण करता है, जिनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण यज्ञों की फल प्राप्ति होती है। तुझ दुष्ट ने उनका सत्कार नहीं किया, इसलिए तेरा यज्ञ नष्ट हो गया है।
हे दक्ष, शिव की पूजा के बिना तेरा कल्याण नहीं होगा। सर्वेश्वर शिव के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता करने में समर्थ नहीं है। वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति। उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे और शिव की माया से किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। इधर भृगु के मंत्रों से उत्पन्न असुरों ने भगाए जाने वाले शिव जी के गण भगवान शंकर की शरण में गए और सती के शरीर का त्याग तथा अपने युद्ध का सब वृतांत कह सुनाया। इसे सुनकर महापराक्रमी शंकर जी के क्रोध का अंत नहीं रहा। लोक संहारकारी शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे पर्वत पर दे मारा। इससे उसके दो टुकड़े हो गए। उससे तदलकाल की ज्वाला के समान भयंकर शब्द के साथ वीरभद्र उत्पन्न हुए तथा जटा के दूसरे भाग से भयंकर और करोड़ों भूतों से गिरी हुई महाकाली प्रकट हुई। तब वीरभद्र ने हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया तथा पूछा, हे प्रभु, मुझे क्या आज्ञा है? यदि आज्ञा करे तो क्षण भर में मैं ही समुद्रों को सोख लूं, पर्वतों को तोड़ डालूं, ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं अथवा देवता और मुनीश्वरों को भस्म कर डालूं। तब भगवान शंकर ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, वीरभद्र, वहां का पुत्र दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बड़ा अहंकारी तथा मेरा विशेष विरोधी है। तुम उसके यज्ञ का विध्वंस कर डालो। देवता, गंधर्व, यक्ष आदि जो भी हो वे सब बचने ना पावे। वहां जाने पर विवश देवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी मारकर मेरे पास आ जाओ। हे वीर, दक्ष को तो पत्नी आदि सहित तिलांजलि देकर आना। तब तो वीरभद्र शिव जी को प्रणाम करके दक्ष के घर को विध्वंस करने चल दिया। विध्वंस होता है नाश करने, किसी भी चीज को खत्म करना। उनके साथ प्रयागने के समान और भी अनेकों गणों को शिव जी ने भेजा। उनमें शो शिव के तुल्य थे तथा वीरभद्र के समान परक्रम वाले थे। वीरभद्र शिव के समान रूप धारण कर रथ पर चढ़कर चला। वह रथ 100 हाथ लंबा था। उसने 10,000 सिंह झुके हुए थे। उस रथ के हाथी आदि सहस्त्र रक्षक थे। फिर काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंड मर्दिनी, भद्र काली, भद्र भली और वैष्णवी इन नव दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने भूतगणों के साथ प्रस्थान किया। वीरभद्र और महाकाली के असंख्य गणों की संख्या करना यहाँ असंभव है। 64,000 करोड़ तो शिवजी के गणों की ही सेना थी। उस समय शंख, भैरी, जटाहर आदि के नाना शब्द करके बाजे बजने लगे। उस यात्रा के प्रस्थान में अनेकों प्रकार के शुभ शगुन हुए। जब वीरभद्र दक्ष यज्ञ को नष्ट करने चले तो दक्ष और देवताओं के लिए अब शगुन होने लगे। दक्ष की बाई आंख, बाया हाथ तथा बाई जगह पकड़ने लगी। पृथ्वी में भूकंप हुआ तथा दिशाएं मलिन हो गई। सूर्य के काले दाग दिखाई पड़ने लगे। बिजली और अग्नि के समान नक्षत्र गिरने लगे। हजारों गीत दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। गीतों की छाया से मंडप ढक गया। गीतड़ भयंकर शब्द करने लगे। दिशाओं में अहंकार व्याप्त हो गया। विष्णु आदि देवताओं को भी भय उत्पन्न होने लगा। आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तुझे धिकार है, तू बड़ा पापी और मूर्ख है। अब तुझे शिव जी के द्वारा महान दुख की प्राप्ति होगी। तेरे कारण इन उपस्थित देवगणों को भी महादुख प्राप्त होगा।
इस प्रकार के अपशब्दों से तथा इस आकाशवाणी के द्वारा भयभीत हो दक्ष विष्णु की शरण में जाकर उनकी स्तुति करने लगा। दक्ष को शिवोपदेश। दक्ष बोला, हे विष्णु भगवान, मैं बड़ा भयभीत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आप यज्ञ स्वरूप हैं तथा जैसे भी हो मेरे इस यज्ञ की रक्षा अवश्य कीजिए। इस प्रकार विष्णु की प्रार्थना करने पर विष्णु ने उसे समझाया, हे दक्ष, तुमने शिव जी को क्यों बुलाया? यह उसी का फल है। पूज्यों का अपमान करने पर पग पग पर आपत्तियां प्राप्त होती है। अतः तुम प्रसन्नता पूर्वक शिव जी की ही पूजा करो। देखो, तुम्हारी इस अनिति से हमारा भी प्रभाव क्षीण हो गया है। विष्णु के ऐसा कहने पर दक्ष का मुंह सूख गया और वह चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गया। दल की सेना वहां आ पहुंची, उससे सभी दिशाएं व्याप्त हो गई तथा पृथ्वी समुद्र आदि सभी कांपने लगे। उस भयंकर दृश्य को देखकर दक्ष अपने मुख से रुधिर भमन करने लगा। तब तो वह विष्णु जी की शरण में पुनः गया, परंतु वीरभद्र को देखकर विष्णु भगवान ने दक्ष को कहा, हे दक्ष, यह शंकर का गण है जो ऐसा है कि शिव के शत्रु का अवश्य नाश कर देता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। वह निसंदेह तुम्हारे सहित हमारा नाश कर देगा। शिव की आज्ञा के बिना मैं जो तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, इस कारण मुझे भी बड़ा डर लग रहा है। इसे रोकने की शक्ति मुझ में नहीं है। मेरे सुदर्शन चक्र का इस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम यहाँ से भागे तो भी वीरभद्र अपने आकर्षण से हमें खींच लेगा। इसके शास्त्रों की गति, आकाश पाताल पृथ्वी सभी जगह है। विष्णु यह कह ही रहे थे कि वीरभद्र अपनी अजय सेना के साथ यज्ञ मंडप पर आ पहुंचा। वीरभद्र के आने पर इंद्र ने विष्णु आदि का परिहास करके उससे युद्ध किया। इसका शिवगणों के साथ घोर युद्ध हुआ। भृगु ने दक्ष के संतोष के लिए शिवगणों का उच्चाटन कर दिया। इससे भूत, पिशाच, प्रेत आदि पराजित होकर भागने लगे। इस पर महाबली वीरभद्र ने त्रिशूल से घायल कर दिया। देवों की भयंकर पराजय हुई। वीरभद्र ने इंद्रादिक देवों से कहा, हे इंद्र, हे अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, कुबेर आदि देवों, तुम इस यज्ञ में क्यों आए हो? तुम्हें इसका मजा चखाऊंगा। फिर विष्णु और वीरभद्र का भयंकर आयुध हुआ। दक्ष का शीर्षासन। वीरभद्र ने शंकर भगवान का स्मरण करके विष्णु के वक्ष स्थल में त्रिशूल से प्रहार किया। इससे विष्णु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सुबह उठकर उन्होंने चक्कर उठाकर वीरभद्र पर प्रहार किया, किंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्कर को रोक दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रुक गया। विष्णु का भी स्तंभ हो गया। तब याज्ञिकों के मंत्रों द्वारा उनका स्तंभ दूर कर दिया। फिर विष्णु ने अपना शंख धनुष उठाया, उसके भी वीरभद्र ने तीन टुकड़े कर दिए। तब तो विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और अपने लोक को चले। उनके चले जाने पर वीरभद्र ने यज्ञ भागवत को पकड़ा और उनका सिर काट डाला। प्रजापति धर्म कश्यप और अष्टनेमी आदि मुनियों को पकड़कर लातों से मारा।
सरस्वती जी की नखों से नाक काट ली, अन्य सभी देवताओं को पृथ्वी पर पटक पटक कर मार डाला। मणिभद्र नामक प्रजा पीगणों ने भृगु की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा के दांत चंड नामक गण ने उखाड़ लिए क्योंकि वे हंस थे। यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा करके उसे भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि सतयुग द्वापर त्रेता में जो भी ऋषि मुनि हवन करते थे, आहुति डालते थे, पहले जो सनातन धर्म था वो बड़ा बरकरार था, आज वह नष्ट हो रहा है, लेकिन भोले की कृपा होगी तो ये बरकरार रहेगा। आजकल हवन कौन डालता है, कोई दौड़ा नहीं लगाता है ना, तो ये सब कुछ किसमें आता है, सनातन धर्म में आता है। यह सब कार्य करके वीरभद्र कैलाश पर्वत पर पहुंचा और शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपने गणों का नायक बनाया, सबसे महान बना दिया, गणों का राजा बना दिया। ब्रह्मा जी बोले, वीरभद्र के द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस होने पर देवताओं ने दुखित होकर समाचार मुझसे कहा। तब मैंने कहा कि देवताओं का दुख मैंने कैसे दूर करूं कि दक्ष भी जीवित हो जाए और उसका यज्ञ भी पूर्ण हो जाए। फिर मैं विष्णु लोक में जाकर विष्णु की स्तुति करने लगा। उन्हें मुझसे कहा कि दक्ष ने अपराध किया है क्योंकि उन्होंने यज्ञ में शिव जी को भाग नहीं दिया। हम सब देवता भी शिव जी के अपराधी हैं क्योंकि हमने भी उस यज्ञ में भाग नहीं लिया। अतः आप सब लोग शिव की शरण में जाओ, नहीं तो प्रलय हो जाएगी। फिर हम सब विष्णु भगवान को साथ लेकर कैलाश पर गए और वहां विशाल वट वृक्ष के नीचे शिव जी को देखकर प्रणाम किया और अनेकों नामों से स्तुति करने लगे। हे दया के सागर, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। हे शंकर जी, हमारी रक्षा कीजिए, हमें आपत्तियों से बचाइए। हे नाथ, प्रसन्न होकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कीजिए। हम सब लोग इस शेष यज्ञ को आपका भाग दे देंगे। इसलिए हे नाथ, इस यज्ञ की हम पर फिर से रचना। इस प्रकार बार बार विनती करके ब्रह्मा और विष्णु शिव जी के चरणों में गिर पड़े। शिव कृपा से दक्ष का जीवित होना कि कैसे भगवान भोलेनाथ की दया दक्ष के ऊपर हुई और वो मरकर भी फिर द्वारा जीवित हो गया। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी ने, हे देवताओं, मैं तुम पर क्रोध हूँ, फिर भी तुमको क्षमा करता हूँ। दक्ष के यज्ञ को मैंने विध्वंस नहीं किया है, उसके कर्म से ही ऐसा हुआ है। जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका स्वयं ही बुरा हो जाता है। दक्ष ही यज्ञ का सिर है, अब उसके बगैर कुछ भी नहीं होगा, अब उसका बकरे जैसा सिर होगा। भृगु देवता सूर्य के नेत्रों से यज्ञ को देखेंगे, पूषा के टूटे दांत जुड़ जाएंगे, भृगु की बकरे की सी दाढ़ी होगी, मेरे गणों के द्वारा मारे गए सभी देवताओं के टूटे अंग ठीक हो जाएंगे। फिर देव ऋषियों सहित शिव जी उस स्थान में गए और दक्ष के शरीर में बकरे का सिर लगाकर जीवित कर दिया। उसने उठकर प्रसन्न चित्त से भगवान शंकर का दर्शन किया और स्तुति की। उसकी स्तुति से शंकर भगवान प्रसन्न हुए। उसके बाद मैंने और विष्णु भगवान ने, इंद्रादिक लोकपालों ने भी शिव जी की स्तुति की। इन स्तुतियों से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दक्ष से कहा कि हे दक्ष,
तो मुझ परमेश्वर को मान ध्यानापरायण हो गर्म कर। तू यह जान कि मैं शंकर ही संपूर्ण जगत का सृष्टा हूँ। विष्णु भक्त को मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए, मेरा भक्त भी विष्णु की निंदा ना करे। यदि ऐसा करेगा तो दोनों के श्राप से तब तक को प्राप्त नहीं करेगा। फिर दक्ष प्रसन्न होकर शिव जी का नाम जपने लगा। सब देवताओं ने विष्णु की स्तुति की। दक्ष ने विधि पूर्वक यज्ञ को संपन्न कराया, विविध प्रकार के दान दिए और शिव जी सहित सभी देवताओं को यज्ञ का भाग मिला। यज्ञ समाप्ति पर सब देवता शंकर भगवान का गुण गाते हुए अपने अपने धाम को चले गए और शिव जी भी अपने गणों के साथ कैलाश पर्वत को पधारे। बोलिए शंकर भगवान की। एक भजन हो जाए। जिकारा बोले कटारी जी का। साता शिवा दिया कोठड़िया जोत जगे दिन रात मेरे मन शिव जी बसे। सा शिवा दिया कोठड़िया जोत जगे जोत जगे दिन रात मेरे मन शिव जी बसे। सा शिव जी बसे।
लोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधना की थी, अतः वे सती जी मेनका पुत्री बनी। इस जन्म में उनका नाम पार्वती हुआ। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, मुझे मेना की उत्पत्ति विवाह आदि को सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक राजा था, जो श्रेष्ठ पर्वत की सभी समृद्धियों से युक्त तथा बड़ा तेजस्वी था। उस पर्वत का दिव्य रूप है, जो सर्वांग सुंदर विष्णु का रूप संतों का प्रिय है। वह शैलराज हिमालय कहलाता है। उसने अपने कुल की वृद्धि के लिए विवाह की इच्छा की। सभी देवता पितरों के पास गए और बोले कि आप देव कार्यों के लिए अपनी पुत्री मेना का विवाह हिमालय पर्वत राज के साथ कर दें, इससे सभी का भला होगा और देवताओं के पद पर आने वाली आपत्तियों का नाश होगा। पितृगणों ने अपने और अपनी पुत्रियों के शाप की बात याद कर मेना का विवाह पर्वतराज हिमालय से कर दिया। उस उत्सव में ब्रह्मा
विष्णु शिव आदि सभी देवता लोग आए, भारी आनंद रहा। विवाह उत्सव के बाद सभी देवता लोग मुनीश्वर शिव पार्वती का ध्यान करके अपने अपने लोक को चले गए। पूर्व कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष के 60 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। उनमें सबदा नाम वाली कन्या को पितृश्वरों को प्रदान किया था। उनकी 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। बड़ी पुत्री का नाम मैना, मजली का नाम धन्या और तीसरी का नाम कलावती था। हे मुनीश्वर, एक समय में तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु भगवान के दर्शन करने लगी कि जो आप ज्योति जलाते हो, जो उसमें लाइट होती है, उसमें उनको तीनों बहनों को भगवान विष्णु जी दिखाई देने लगे। जैसे आप बोलते हैं कि मेरे को ज्योति में कोई कहता है गणेश जी बने देखे, कोई आंख बनी देखी बोलते हैं कि माता नैना देवी के दर्शन हुए, वैसे जो 3 कन्या उत्पन्न हुई उनको भी वैसे ही ज्योति में भगवान विष्णु जी के दर्शन हुए। उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव हुआ। उसने सनकादिक भी आए। सभी लोग सनकादिक के स्वागत में खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें खड़ी नहीं हुई। इस पर क्रोध होकर सनकादिकों ने शाप दिया कि तुम तीनों श्रुति को जाने नमस्कार नहीं किया, अतः तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। फिर इन तीनों बहनों ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगी कि हे मुनीश्वर, तुम प्रसन्न हो जाइए। हम लोग मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, हमें कोई भी ज्ञान नहीं है। ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम स्वर्ग को प्राप्त हो जाए। फिर शिव की माया से मोहित होकर सनत कुमार जी बोले, हे पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो। यह बड़ी कन्या पर्वतराज हिमालय की कामिनी होगी और पार्वती की कन्या नाम की कन्या उत्पन्न करेगी, जो शिव की पत्नी होगी। दूसरी कन्या महायोगी जनक की पत्नी बनेगी, जिसके यहाँ महायोगिनी लक्ष्मी रूपा सीता का जन्म होगा। कलावती राजा विश्वानु की पत्नी होकर महामाया राधा को जन्म देगी। जैसे हम कहते हैं ना, राधे राधे श्याम मिलाते, तो ऐसे ही उनका जन्म हुआ है। ठीक है। मैना को पार्वती का प्रदान प्राप्त होगा कि वह कैलाश तक जाएंगी। तुम पितरों की कन्या हो, अतः तुम पृथ्वी पर भी स्वर्ग के विलास को पाओगे। इस प्रकार कहकर मुनि राज अंतर्ध्यान हो गए। वे तीनों बहनें अपने दाम को चलेंगे। उमा की स्तुति। मैना से विवाह करके हिमालय अपने घर आए और सुखदायक स्थानों पर जाकर उनके साथ विहार करने लगे। फिर एक समय देवताओं के साथ विष्णु जी भी वहां आए। हिमालय ने उन्हें पाकर कहा, मैं आपके दर्शन करके कृतार्थ हुआ, मुझे क्या आज्ञा है? तब उन्होंने कहा, जगदम्बा, सीता जी के शरीर त्यागने की बात तो आपको विदित ही है, अब आप ऐसा प्रयत्न करें कि वे आपके यहाँ जन्म लेवे और देवताओं का कार्य हो। हरि भगवान के ऐसा कहने पर हिमालय ने ततास्तु कहा। सभी देवता शंकर भगवान की पत्नी उमा की स्तुति करने लगे। हे उमा, हे देवी, हे माता, आप सर्वदा शिवलोक निवासिनी हो और सर्वदा ही शिव को प्रिय हो। हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार उनकी सबने स्तुति की। जब देवताओं ने भगवती उमा की इस प्रकार स्तुति की, तो कष्ट निवारणी दुर्गा देवी उनके समक्ष प्रकट हुई। सभी देवता उनको प्रणाम कर स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे माता, क्षमा कीजिएगा तथा
सनत कुमार के वचनों को भी पूर्ण कीजिएगा। अब तुम पृथ्वी पर अवतार लेकर शिव जी की पत्नी बनो और अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी बनाओ। देवी ने शिव का स्मरण करके कहा, हे देवता, हे मुनियों, मैं अवश्य पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगी और देवताओं को सुख देंगी। इस प्रकार अवतार के पहले हिमाचल और नैना ने मेरी आराधना की है। अब वे भक्ति पूर्वक वे मेरी सेवा करती हैं। अतः मैं हिमाचल के घर उनकी पत्नी के गर्भ में प्रकट होंगी। मैं जानती हूँ कि मेरे शरीर त्यागने पर मेरे पति शंकर भगवान भी दिगंबर होकर मेरे वियोग को सहन नहीं कर पाएंगे। ये मैं उनसे विश्वगी हूँ। वे शक्ति नहीं पाते तथा निरंतर जागते ही रहते हैं। वे मेरा पानी ग्रहण करना चाहते हैं। अतः मैं शीघ्र ही अवतार लेकर तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगी। अब तुम अपने स्थान को जाओ और भगवान शिव का भजन सिमरण करो। हिमाचल का तप। ब्रह्मा जी बोले, जब से देवता हिमाचल और मैना को उपदेश करके गए, तब से दोनों उमा देवी की आराधना में संलग्न हो गए। चैत्र मास से लेकर उन्होंने व्रत आराधना शुरू की तथा 27 वर्ष तक व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर दुर्गा देवी प्रसन्न होकर प्रकट हुई और बोली, तुम वरदान मांगो। मैंने 100 पुत्र मांगे तथा पुत्री के रूप में उमा देवी से स्वयं प्रकट होने की प्रार्थना की। इस प्रकार उमा देवी वरदान देकर प्रसन्न करके अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद मैना के गर्भ से ज्येष्ठ पुत्र मैनाक का जन्म हुआ। वे इंद्र के द्वारा पर्वतों के पर काटने पर समुद्र में जा छिपा और समुद्र से मित्रता की। मैना तथा हिमाचल दोनों ही देवी उमा तथा भगवान रुद्र के ध्यान में निरंतर लगे रहते थे। उत्तम समय में मैना रानी ने गर्भ धारण किया और 10 मास पूर्ण होने पर उनके सती शिवा कल्याणी मैना के गर्भ से प्रकट हुई। तब उमा देवी कन्या के रूप में प्रकट हो संसारिक जीव की भांति रोदन करने लगी। उस कन्या के रोदन को सुनकर सब आनंदित हुए। उनके नामकरण आदि संस्कार कराए तथा अनेक प्रकार से दान आदि दिए। जगदम्बा भी नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगी और बड़ी हुई। एक बार हे नारद, तुम हिमाचल के घर शिव की प्रेरणा से गए। वहां हिमाचल ने तुम्हारा सत्कार कर कन्या पार्वती के भविष्य के बारे में पूछा। तुमने कहा, यह कन्या बड़ी भाग्यशाली है, परंतु इसका पति दिगंबर योगी, निर्गुण, काम वासना रहित, माता पिता से हीन, अभिमान रहित, अपवित्र तथा साधु वेशधारी होगा। कि जो इसका घरवाला होगा वो आम आदमी नहीं होगा, वो कोई साधु का रूप धारण करने वाला होगा। यह सुनकर माता पिता महान दुखी हुए कि हाय, ये क्या हो गया। मैं तो इतना राजपाट वाला हूँ, क्या मेरी बेटी एक साधु के साथ विवाह करेगी। लोगों ने मेरे ऊपर बड़ा भारी हंसना किया। परंतु हे नारद, तुमने कहा कि ये सभी लक्षण शुभ हैं, कि भगवान शिव में ये सभी लक्षण हैं, अतः पार्वती को शिव की प्राप्ति के लिए तप करना चाहिए। पार्वती का स्वप्न। ब्रह्मा जी बोले, एक बार मैना ने अपने पति से कहा, हे नाथ, पार्वती अब बड़ी हो गई है, उसके योग्य वर तलाश कीजिए। इस पर हिमाचल ने कहा, हे देवी, नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। पार्वती जी को शिव की तपस्या करने को कहो। इस प्रकार की बात सुनकर मैना की आंखों में आंसू
बल आए। कोमलता को देखकर अत्यंत दुखी हुई। यह देखकर पार्वती जी बोली, माता जी मैंने आज प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में एक समर्पण देखा है। मुझे एक तपस्वी ब्राह्मण ने दया पूर्वक कहा है कि हे भाग्यवान, रुद्र की प्राप्ति के लिए तूता पकड़। इसे सुनकर मैना ने यह सारा वृतांत हिमाचल को सुनाया। शिव हिमाचल का संवाद। बोले, हे नारद, कुछ समय के पश्चात नंदीश्वर आदि गणों के साथ भगवान शंकर हिमाचल के उस प्रदेश में आए जहाँ पतित पावनी गंगा जी ब्रह्मा लोक से गिर रही है। वहां में सदाशिव तप कर रहे हैं और उनका योग्य स्थान समझकर आत्मचिंतन करने लगो। उनके आगमन का समाचार सुनकर हिमाचल दर्शन करने आए उन्होंने शंकर जी को प्रणाम किया तथा विधिवत पूजन किया। शंकर जी ने हिमाचल से कहा कि मैं यहाँ तप करने आया हूँ, मेरे पास यहाँ कोई आवे नहीं, ऐसे आप यहाँ व्यवस्था कर दें। हिमाचल ने कहा, प्रभु आप तप करें जिससे आपकी तपस्या में विघ्न ना पड़े, मैं वैसी ही व्यवस्था कर दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्थाएं शुरू कर दी। हे नारद, कुछ दिनों के पश्चात पुष्प फल आदि लेकर पार्वती को साथ लेकर हिमाचल भगवान रुद्र के पास पहुंचे। वहां रुद्र को प्रणाम करके सिंहासन ने कहा, हे भगवान, यह मेरी कन्या पार्वती है, यह आपकी सेवा में ले आया हूँ, कृपया इसे अपनी दासी जानकर अंगीकार करें यानी स्वीकार करें। हिमाचल की बात सुनकर सदाशिव ने नेत्र खोले और संपूर्ण सुंदर अंगों वाली उमा को देखा और हिमाचल से कहने लगे, हे हिमाचल, यह कन्या चंद्रमा के समान सुंदर रूपवती है, इसी कारण मैं इसका यहाँ आना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार की माया रूपी स्त्रियों ने तपस्वियों की तपस्या भी भंग कर दी थी। तो इस प्रकार के शिव जी के वचन सुनकर हिमाचल व्याकुल एवं चिंता अनुसार हो गया। शिव पार्वती संवाद। भगवान शंकर के वचन सुनकर बोली, हे योगीराज, आपने जो भी पिताजी से कहा उसका उत्तर मैं देती हूँ। हे अंतर्यामी, आपने जो तप करने का निश्चय किया है वे क्या शक्ति युक्त नहीं है? यही शक्ति सभी कर्मों की प्रकृति मानी गई है, इसी से चराचर जगत का पालन संहार तथा रचना होती है। आप विचारें कि यह प्रकृति क्या है और आप कौन हैं? यदि प्रकृति ना हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार शक्ति का पूजन ध्यान करें तो जगत का क्रम चलता रहे। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे पार्वती जी, मैं तप द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ, अब तत्त्व रूप में स्थित हूँ। इस प्रकार पार्वती जी हंसकर बोली, हे योगीराज, आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? थोड़ा विचार करके कहें, यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप किस प्रकार विद्यमान हैं? अगर नाश कर डाला तो आपको भी नहीं होना चाहिए था। संसार के सभी कार्य हुआ करते हैं, क्या आप प्रकृति तत्व को नहीं पहचान रहे? मैं प्रकृति हूँ और आप पुरुष हो, आप मेरी कृपा द्वारा ही सगुण होकर निष्ठबद्ध हो, नहीं तो किसी भी कार्य में समर्थ्य नहीं हो पाएगा। इस पर शिव जी बोले, हे हिमाचल कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो तुम श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाओ। और हे हिमाचल, हम तप करने की इच्छा रखते हैं,
तुम्हारी यह कन्या नित्य हमारे दर्शन करने आ सकती है। उसी दिन से पार्वती जी भगवान शिव के दर्शन करने नित्य जाने लगी। वहां षोडशोपचार पूजन करके नित्य चरणामृत लेती। इधर तारकासुर के भेष से पीड़ित हुए मुनि तथा इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी से बोले कि कोई उपाय करो जिससे शिव जी पार्वती जी को ग्रहण करे और हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। देवताओं ने कामदेव को भेजा, परंतु शिव पर उनकी कला का कोई भी असर नहीं हुआ। उल्टे शिव जी ने उसे जला डाला। ब्रजांग का जन्म तथा पुत्र प्राप्ति का वरदान। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, वह ताड़कासुर कौन था जिसने देवताओं को पीड़ित कर रखा था? शिव जी महाराज ने काम को क्यों भस्म कर दिया? शिव जी की इन अद्भुत लीलाओं का वर्णन हमें सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मृति के पुत्र जो कश्यप हुए हैं उन्हें दक्ष की कन्या दिति विवाही थी। उससे हिरण कश्यप और हिरणाक्ष दो पुत्र हुए जिन्हें श्री विष्णु जी ने बारह और नरसिंह रूप धारण करके मारा। उसके बाद दिति के गर्भ को इंद्र ने लोट पोट करके पेट में ही खंड खंड कर दिया था, जिससे उसके 49 पुत्र हुए जो मरुतगण हुए और वे स्वर्ग को चले गए। इसके बाद दिति ने 10,000 वर्ष तक तप किया, जिससे प्रसन्न हो कश्यप जी ने पराक्रमी पुत्र को उत्पन्न किया। उसका नाम बजरांग हुआ। उसने माता की आज्ञा से देवों को जीतकर उनका राज्य ले लिया। फिर ब्रह्मा और कश्यप जी ने जाकर उससे बंदी देवताओं को छुड़ाया। उसने राज्य भी वापिस कर दिया और ब्रह्मा जी के उपदेश से सात्विक बाब बाला बन गया। ब्रह्मा जी ने उसे एक रूपवती स्त्री भी उत्पन्न करके दी। स्त्री ने पति से महाप्रक्रमी विष्णु को भी जीतने वाला पुत्र मांगा। पति से ब्रह्मा जी की उपासना और तप करके इस प्रकार के पराक्रमी पुत्र का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी वरदान देकर अपने लोक को चले गए। ताड़कासुर का जन्म तथा उसका था। कुछ समय के बाद ब्रजांग की पत्नी गर्भवती हुई और उस समय उसके लंबे चौड़े शरीर वाला अति पराक्रमी बालक उत्पन्न हुआ। उसके जन्म के समय सारे संसार में बारी उपद्रव हुए और बड़े बारी अपशगुन हुए। कश्यप जी ने उसका नाम ताड़कासुर रखा। थोड़े ही समय के बाद वह पर्वत जैसे आकार का हो गया, बहुत बड़ा हो गया। उसने तप करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। माता ने प्रसन्न होकर उससे आशीर्वाद दिया तथा कहा। तब उसने देवताओं को जीतने की अभिलाषा से मधुबन में तपस्या की। उसने ऊपर को बाहु करके ऊपर को दृष्टि करके एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर फिर हाथ की हथेली के बल खड़े होकर कठिन से कठिन 100-100 वर्ष तक तपस्याएं की। उसके तेज से देवलोक भी जलने लगा। तब मैं ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हो गया। इस प्रकार ताड़कासुर ने प्रणाम करके वरदान मांगा कि हे प्रभु, पहला वर यह दे कि आपके रचे इस संसार में मेरे समान कोई बलशाली ना हो, और दूसरा वरदान यह दो कि भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न पुत्र से ही शस्त्र द्वारा मेरी मृत्यु हो। तब मैं तदास्तु कहकर अपने लोक को चला गया। इसके बाद ब्रह्मा से आज्ञा ले शुक्राचार्य ने दैत्यों का राजा ताड़कासुर को बनाया। तब वह देवताओं को पीड़ित करता हुआ दंड देने लगा, बड़ा दुखी करने लगा। इंद्र ने डरकर खजाना
ऐराबद्ध हाथी उच्चैश्रवा घोड़ा आदि दिए। ऋषियों ने कामधेनु दे दी। कामधेनु क्या होती है? गाय। ऋषियों ने उल्टी गाय दी। उसने पृथ्वी पर घूम घूम कर उत्तम वस्तुएं ढूंढ कर ले ली। तब देवता और पितरों के बाग लेकर इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकालकर दैत्यों को बिठाया। आकर अपना दुख मुझे सुनाने लगे। पहले देवताओं के पास दुख सुनाते थे, उन्होंने उल्टा देते ही उन्होंने दुख सुना लेते। सुनकर मैंने कहा कि इसे मैं तो मार ही नहीं सकता, इसे स्वयं विष्णु तथा रुद्र भी नहीं मार सकते, किंतु रुद्र के वीर्य से उत्पन्न पुत्र इसे मार सकेगा। इसलिए दक्ष की पुत्री सीता जी ने इस समय हिमाचल के यहाँ मैना के गर्भ से जन्म लिया है। उसका विवाह भागवत रुद्र से होगा। जो पुत्र होगा वे ही इसे मारेगा। अब तुम भगवान रुद्र के साथ पार्वती जी का विवाह कराने की चेष्टा करें। फिर तो मैं स्वयं ताड़कासुर के पास जाकर समझाने लगा कि हे पुत्र, मैंने तुम्हें इसलिए वरदान नहीं दिए थे कि तुम अपनी सीमा से बाहर हो जाओगे। यह स्वर्ग तो देवताओं का है, तुम शीघ्र ही इसे छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो, नहीं तो दुख पाओगे। मैं यह कहकर चला गया। ताड़कासुर ने भी स्वर्ग को छोड़ दिया और पृथ्वी पर आकर शोणित नगर में राज्य करने लगा। देवता में सर्वप्रथम प्यार बढ़ गया और देवता स्वर्ग में इंद्र के साथ रहने लगे। कामदेव का शिव के पास जाना। तब सब देवों ने सलाह करके शिव के विवाह की सोची। इंद्र ने कामदेव का स्मरण करके उससे कहा कि तुम शिव जी के पास जाकर उन्हें काम उत्पन्न करो, जिससे वे पार्वती का परिणय कर सके, क्योंकि ब्रह्मा जी के प्रदान से ताड़कासुर को शिव का पुत्र ही मार सकता है। इस पर कामदेव ने कहा, हे स्वामी, मैं अवश्य इस कार्य को करूंगा, जो आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा, और मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। और वह शिव की माया से मोहित हो बसंत और रति आदि के साथ वहां जा पहुंचा, जहां भगवान शिव आंखें बंद करके तपस्या कर रहे थे। वहां जाकर कामदेव ने अपनी माया फैलाई। अतीब सुंदर फल और फूलों से वन उपवनों को सजा दिया। बसंत की बिहार खिल पड़ी, शीतल मंद सुगंध बह चली। नदी सरोवरों में कमल विकसित हो गए, कोयल मधुर शब्द बोलने लगे, बोरे गुजार करने लगे। तब कामदेव ने संपूर्ण जगत को मुक्त करने वाले बाण चलाए, परंतु शिवजी पर इनका फिर भी कोई असर नहीं हुआ। उसी समय जगत जननी माँ पार्वती भी सखियों से पूजा करने आई। वे कामदेव की मानो सहायक हो गए। शिव ने ध्यान हटाया तो सकाम बात से सोचने लगे कि यह सब क्या हो रहा है, मैं निर्विकार सकाम कैसे बन रहा हूँ, यह तपस्या में विघ्न कैसे आ रहे हैं। भोलेनाथ जी हैरान हो गए कि पहले ऐसे नहीं होता था, ये लगता है कोई ना कोई बात जरूर हो रही है, जो मेरा ध्यान उल्टी तरफ जा रहा है। ये नहीं पता कि कामदेव अपना कारा शुरू कर चुके हैं। कामदेव का भस्म होना, अपनी अद्भुत दशा देखकर काम पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे, इससे सारी दशाएं कांपने लगी। देवता डर गए, स्वयं कामदेव भी कांपने लगा। कामदेव को धनुष तानने देखकर शिव के क्रोध की सीमा ना रही और उनका तीसरा नेत्र भी खुल गया। उनके नेत्र की अग्नि से कामदेव वृक्ष से गिरे फल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा और भस्म हो गया।
तब तो पार्वती जी घर को चली गई। कामदेव की पत्नी रति ने महान विलाप किया। उसके करुण विलाप को सुनकर चराचर जीव भी दुखी हुए। सभी देवता उससे समझाने आए और शिव जी को प्रणाम करके स्तुति करने लगे। शिव जी ने देवताओं को कहा, हे देवताओं, अब तो रति का पति कृष्ण का पुत्र होकर रुक्मणी के यहाँ उत्पन्न होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। शंबर नामक दानव उसे चुराकर समुद्र में फेंक देगा। यह रति शंबर के नगर में निवास करेगी और इसे इसका पति मिल जाएगा। इस पर देवताओं ने कहा, हे प्रभु, कामदेव को हमने भेजा था, वह देव कार्य के लिए आया था। तब तक यह रति जीवित नहीं रह सकती, तब तक आप ही इसकी रक्षा करें। सदाशिव बोले, हे देवताओं, अच्छा तो यह कामदेव शीघ्र ही जीवित हो जाएगा और मेरा गण होकर आनंद करेगा। मैं शीघ्र ही तुम्हारा दुख भी दूर करूँगा, परंतु यह वृतांत किसी से कहना मत, अपने मन में ही रखना। अब तुम अपने लोक को जाओ। पार्वती को नारद का उपदेश। कामदेव के भस्म होने पर पार्वती जी जब घर में पहुंची तो उन्हें खाते पीते बैठते सोते शिव जी का विरह व्याकुल करने लगा। तब नारद, तुम एक दिन विचरते विचरते हिमाचल के घर में गए, उन्होंने तुम्हारा आदर सत्कार किया, इसके बाद अपनी पुत्री के द्वारा शिव पूजन और कामदेव के भस्म का वृतांत सुनाया, तब तुम यह कहकर कि शिव का भजन करो चल दिए थे। फिर तुम पार्वती जी के पास गए और बोले, हे पार्वती जी, तुमने बिना तप किए भगवान शंकर को पाने की इच्छा कैसे सोच ली और तुम्हें इससे अभिमान हो गया है, अब तुम उनकी प्राप्ति के लिए तपस्या करो। तब तुमने उन्हें पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा दी थी नारद जी ने, उसकी विधि बताकर तुम वहां से चले गए थे। पार्वती जी की तपस्या। पार्वती जी ने यह निश्चय कर लिया था कि बिना तपस्या के भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते, मुझे कुछ न कुछ तपस्या करनी पड़ेगी जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हो। ऐसा तो कहीं भी नहीं हो सकता कि कर्म किए नहीं और फल मिल जाए। अतः वे पिता से तप करने की आज्ञा मांगने लगी। पिता ने कहा, बेटी, तुम्हारा विचार उत्तम है, परंतु अपनी माता से पूछकर तुम तप करने चले जाओ। मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता अपनी माता जी से। माता ने दुखी होकर कहा, हे पुत्री, तुम घर में ही तपस्या करो। वन में अनेक दुख होते हैं। स्त्रियों का शरीर वन के योग्य नहीं, क्योंकि वह कोमल होता है। तब तो उमा देवी अत्यंत दुखी हुई। तब उन्हें दुखी होकर देखकर माता ने भी आज्ञा दे दी। इस प्रकार माता पिताजी को प्रणाम करके वे उसी स्थान पर पहुंची जहाँ गंगा जी प्रकट हुई थी तथा कामदेव को भस्म किया था। वहां देवी बेदी बनाकर पार्वती जी ने पंचाक्षर मंत्र का जप आरंभ किया। गर्मी में पंचाग्नि तप, वर्षा और शीतकाल में शीतल जल किया। गर्मी में बहुत भारी गर्मी लगती थी, शीतल जल में बैठकर मंत्र जपती। इस प्रकार जप करते उन्हें 3000 वर्ष बीत गए। उमा देवी के कठोर तप को देखकर आश्चर्य में पड़े देवराज आदि सभी देवता दर्शनार्थ आने लगे, क्योंकि इस प्रकार का कठोर तप आज तक किसी ने भी नहीं किया था जो स्त्री होकर पार्वती जी ने किया था। पार्वती जी के तप के द्वारा त्रिलोकी तपने लगे। देवता, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व सभी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सभी को लेकर विष्णु भगवान के पास गए। सबने उन्हें संत पद प्रमाण का हार सुनाया। इस प्रकार विष्णु भगवान ने कहा, हे देवताओं,
यह पार्वती जी की तपस्या का परिणाम है। तुम सब मिलकर शंकर जी के पास चलो। इस प्रकार देवता कामदेव के वसम का कारण और स्मरण कर व्यवित होने लगे। परंतु विष्णु भगवान ने समझाया कि तुम डरो मत, भगवान शंकर तो परम दयालु हैं, सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं, वे मेरे तुम्हारे सबके स्वामी हैं, उनके शरण में तुम शीघ्र पहुंचो, वे अवश्य ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब विष्णु ने के वचन सुनकर सभी देवता शंकर जी की शरण में गए। देवीत देवताओं ने शंकर जी के पास आकर नारद जी को आगे किया कि आप आगे हो, हम पीछे खड़े होंगे। फिर सभी ने अनंत पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। शंकर जी की सभी कृति। सभी देवताओं ने कहा, हे भगवान रुद्र, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। तब शंकर जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप सभी देव यहाँ किस लिए उपस्थित हुए हो? तब विष्णु भगवान जी बोले, भगवान तारक असुर के द्वारा हम पीड़ित हैं, उसने हमें अपने स्थान से चयुक्त कर दिया है। आप गिरिजा के साथ विवाह करके पुत्र उत्पन्न करें, उसी से हमारी रक्षा होगी और उसी के द्वारा उसका वध होगा। यह सुनकर शिव जी ने कहा, मैं गिरिजा से विवाह नहीं करूंगा, मैंने काम को भस्म कर दिया है। इस पर भगवान शंकर अपने आत्म चिंतन में लीन हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। तब सभी देवताओं ने नंदीश्वर के कहने पर पुनः स्तुतियां की। पुनः शिव जी ध्यान से जगे और देवताओं की अभिलाषा जानकर बोले, हे देवताओं, यह विवाह बंधन का कारण है, परंतु मैं भक्तों के अधीन हूँ, भक्तों के लिए मैं अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ, इस कारण मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। तुम्हें तारकासुर का जो महान दुख है उसके निवारण के लिए मैं इच्छा ना होने पर भी पार्वती जी के साथ विवाह कर लूंगा, कि मेरे मन में विवाह की इच्छा तो नहीं है, लेकिन मैं भक्तों का मान कभी भी टालता नहीं हूँ। अगर आप बोलते हैं तो मैं फिर भी इच्छा ना होने से फिर भी पार्वती जी के साथ विवाह कर लेता हूँ, क्योंकि बोलते हैं भक्त का मान टल जाए, लेकिन भगवान का मान टल जाए, लेकिन भक्त का मान भगवान कभी भी टलने नहीं देते हैं। इस बात को बहुत समझते हैं जिनके ऊपर अपार असीम कृपा होती है। अपने अपने घर को जाओ। इस प्रकार देवताओं को आशीर्वाद देकर शंकर जी मौन हो गए। मौन क्या होता है? बिल्कुल शांत साइलेंट हो गए। पार्वती जी की परीक्षा। जब विष्णु आदि देवगण चले गए, तब सप्त ऋषियों को शिव ने स्मरण किया और उन्हें आज्ञा दी कि तुम गौरी शिखर पर पार्वती जी के पास जाओ, वे मुझे प्राप्त करने के लिए महान तप कर रही है, उनके प्रेम की परीक्षा देकर तुम मुझे बताओ। ये मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ परीक्षा लेके आओ। सप्तर्षि गौरी शिखर पर पार्वती जी के पास पहुंचे और गिरिजा को प्रणाम किया और पूछने लगे, हे देवी, आप तो बड़ा कठोर तप कर रही हैं, इस तप का क्या कारण है? इस पर पार्वती जी बोली, हे ऋषि श्रेष्ठो, मैं तो नारद जी की आज्ञा से भगवान शंकर जी को पाने के लिए तप कर रही हूँ, वे मेरे देवता हैं, वे मेरी कामना विषय पूर्ण करेंगे। इस पर ऋषिगण हंसकर कहने लगे कि हे देवी, हे गिरिजे, आपको कपटी नारद मिल गया, उनके चरित्र को तुम जैसी निष्कपट कुमारियां क्या जाने, उन्होंने अनेकों घर चौक्त कर दिए हैं कि नारद जहां भी जाता है वहां चुगली ही लगाता है,
किसी की बात घर में बाद में होती है, नारद सुन के उसकी चुगली पहले ही लगा देता है। बहुतों को मरवा डाला है नारद ने, दक्ष के 10,000 पुत्रों को जो नारायण सरोवर पर पिता की आज्ञा से तप करने गए थे उन्हें बहका दिया, आपस में लड़ाइयां डलवा दी और वे फिर लौट कर नहीं आए। विद्याधर चित्रकेतु का घर ही नहीं बसने दिया। नारद देना, तुमने उसके वचनों का विश्वास करके महा निर्जल अमंगल मूर्त नगन भूत प्रेतों का संगी पति पाने का विचार किया है। उसने दक्ष कन्या सती को पाकर ही क्या सुख दिया, वह भी पिता के यज्ञ में जाकर भस्म हो क्या सुख दिया, वह भी भस्म हो गई, वह स्त्री से अलग रहने वाला तुम्हें क्या सुख दे सकता है। तुम हट छोड़कर घर चले सुनकर हंस कर पार्वती जी कहने लगी, आप जो कह रहे हैं वह सत्य नहीं है, वह पर्वतराज की पुत्री होने से कठिन तप से घबराती नहीं, ना ही मैं कभी घबराऊंगी। नारद जी ने तो मेरा परम हित किया है, हर मनुष्य शिव जी को प्राप्त नहीं कर सकता, मैं शिव के परम तत्व को जान गई हूँ। हे ऋषियों, यदि शिव से मेरा विवाह ना हुआ तो क्या चिंता है, मैं कुवारी रहकर ही उनका भजन ध्यान करूंगी। संसार के सभी पदार्थ धर्म छोड़ दें, सूर्य इधर का उधर हो जाए, किंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल रहेगी। यह कहकर पार्वती जी चुप हो गए। उनका दृढ़ संकल्प देखकर सप्त ऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान शिव के पास लौट गए। सप्त ऋषियों ने जाकर सारा वृतांत शिव जी को सुनाया और निवेदन किया। इसके पश्चात शिव जी भी दंडी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास पहुंचे। वहां पार्वती जी उनका सत्कार किया। दंडी ब्राह्मण ने पूछा, हे युवती, आप पति से रहित कैसे कठिन तप क्यों कर रही है, तुम किसकी पुत्री हो? तब तो पार्वती ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं हिमाचल की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में मैं ही दक्ष की कन्या सती थी। पति के अपमान के कारण मैंने देह का त्याग कर दिया था। अब वे मेरे प्राणनाथ कामदेव को जला करके ही चले गए हैं। तप के द्वारा मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हो रहा है, अतः मैं अग्नि में जलकर मरना चाहती हूँ। इतना कहकर पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गई, किंतु अग्नि भी चंदन के समान शीतल हो गई। मतलब कि अग्नि ने उसने शाल भी मार दी पार्वती जी ने, लेकिन अग्नि दूसरे नु लगे कि जल गई होनी है, पता कि उसको बिल्कुल कोई सेक नहीं लग गया। शिव पार्वती संवाद। इसके बाद पार्वती जी ने उन ब्राह्मण वेशधारी शिव से कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं कर्म वाणी द्वारा भगवान शंकर को पति बनाना चाहती हूँ। यदि यह भी जानना चाहती हूँ कि यह अत्यंत कठिन है, फिर भी मेरा उत्साह भंग नहीं हुआ है। तब वे ब्राह्मण बोले, हे देवी, तुम भूल कर रही हो, मैं गुरु कृपा से शिव जी को भली प्रकार जानता हूँ। वे बूढ़े पैर पर चढ़ते हैं, सदा नगन रहते हैं, बस जटा विभूति धारण करते हैं। सती ने भी उनके साथ रहकर कौन सा सुख धारण किया। तुम भूल रही हो, तुम तो परम सुंदरी हो, तुम्हें चाहिए कि विष्णु इंद्र देवता में से किसी को अपना पति बनाओ, भोलेनाथ को पति मात बनाओ। शिव को पति बनाना तो मुझे अनुचित लगता है, अच्छा नहीं लगता है, उसने वर योग्य कोई भी गुण नहीं है। यह सुनकर पार्वती जी उस ब्राह्मण से अत्यधिक क्रोध करके कहने लगी, हे ब्राह्मण, इसी प्रकार की शिव निंदा करके सप्त ऋषि भी यहाँ से चले गए, तुम उनको नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु उन्हीं की रक्षा से सुख पा रहे हैं, वे जगत के पिता हैं, उनकी आयु का कौन अनुमान कर सकता है। 8 सिद्धियां उनके चरणों में गिर सिर झुकाती हैं। सर्व समर्थ शिव की निंदा करने वालों को कहीं भी स्थान
नहीं मिलता है। अब तुम शिव की निंदा मत करना। इतना कहकर पार्वती जी चुप हो गई और शिव के ध्यान में लग गई। इस पर ब्राह्मण ने कुछ कहना चाहा, परंतु पार्वती जी ने अपनी सखी से कहा, विजया इस नीच ब्राह्मण को यहाँ से निकाल दो, यह फिर शिव की निंदा करेगा, क्योंकि शिव की निंदा करने वाला ही दोषी नहीं होता, वरन उसकी निंदा सुनने वाला भी पाप का गागी होता है। नहीं तो मैं ही यहाँ से प्रस्थान छोड़कर चली जाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी जाने को तैयार हुई, तभी शिव जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और बोले, हे पार्वती तुम कहाँ चली, तुम्हारे समान त्रिलोकी में तपस्विनी कौन है और कौन हो सकता है, कोई भी नहीं है। मैंने तुम्हारी खूब परीक्षा ली है, तुमने मुझे तपस्या के द्वारा अपने अधीन कर लिया है। हे प्राणेश्वरी तुम तो मेरी अनादि पत्नी हो, मैं तुम्हारे वश में हूँ, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है, तुम ही मुझे छोड़ रही हो। शंकर भगवान की यह वाणी सुनकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई। पार्वती बोली, हे प्राणनाथ आपने मुझे क्यों बुला दिया है, अब आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें तथा मेरी मेरे पति होवे। मैं यह सारा वृतांत अपने घर में जाकर पिताजी से कह देती हूँ, आप मेरे पिताजी से जाकर कहें कि मुझे अपनी कन्या का सौभाग्य दो और कन्यादान करके तुम भी पुण्य के भागी बनो। इस प्रकार पार्वती जी शंकर को प्रणाम करके चुप हो गई। तब शिव जी तथास्तु कहकर कैलाश पर पधारे। वहां नंदीश्वर आदि गणों को यह शुभ समाचार कहा तो वे परम प्रसन्न हुए। इसके बाद पार्वती जी अपने पिता के पास घर को चल पड़े। उनका आगमन सुनकर हिमाचल और मैना अपने पुरोहित तथा सगंधियों के साथ विमान पर चढ़ के उन्हें लेने आए। यह शुभ समाचार सुनकर पुरवासी भी आए, सबने जय जयकार किए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलिए श्री शिव पुराण भगवान की जय। बजाया बोले नाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया ऐसा। बजाया बोले नाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया ऐसा। डमरू बजाया बोले नाथ ने सारा सारा।
आवाज विष्णु जी सुने हैं, डमरू की आवाज विष्णु जी सुने हैं, डमरू की आवाज विष्णु जी सुने हैं, विष्णु जी सुने हैं, माता लक्ष्मी जी सुने I'm
जयकारा भोलेनाथ जी का।
जी बोले, हे नारद जी, श्री पार्वती जी की सदाशिव में भक्ति को देखकर इंद्रादिक देवता विचार करने लगे कि हिमाचल कन्यादान करके दुर्गा मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। हिमाचल को दिव्य रूप धारण करके शिवलोक गामी हो जाएगा। यह अच्छा नहीं है। इस प्रकार विचार कर गुरु बृहस्पति के पास गए। उन्हें जाकर संपूर्ण वृतांत सुनाया। तब बृहस्पति ने कहा कि आप शिव की निंदा ना करें, यह मेरे वश का नहीं है। तब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उसने कहा कि हे प्रभु, ऐसा करो कि हिमाचल शिव को कन्यादान ना करे। ब्रह्मा ने कहा कि क्या मैं शिव जी की निंदा करके नरकगामी बनूं? तुम श्रेय वहां क्यों नहीं जाते जिससे तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो जाए? तब सभी देवता स्वयं में ही सदाशिव के पास कैलाश पर्वत पर गए और बोले, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। और उन्हें प्रार्थना करके अपना कष्ट सुनाया। सदाशिव ने उनकी बात मान ली। फिर स्फटिक माला धारण करके वैष्णव रूपी सन्यासी का रूप धारण करके हिमाचल की सभा में गए। वहां वे शिव की निंदा करने लगे। इससे मैना तथा हिमाचल ने शिव को कन्यादान ना करने का निश्चय कर लिया। हिमाचल के पास सप्त ऋषियों का गमन। जब ब्राह्मण देशकारी ने शिव की निंदा की तो मैना घबरा गई और पार्वती को शिव जी के पास ना देने का निश्चय किया कि मैं रूप शिव जी को अपनी कन्या का दान नहीं करूंगा, मैं ऐसा विष अपनी कन्या को नहीं खिलाऊंगा और इसे समुद्र में धकेल नहीं दूंगा, किंतु शिव को कन्या नहीं दूंगा। इस प्रकार कहकर रोने लगे। इधर महादेव जी ने कैलाश पर पहुंचकर सप्त ऋषियों को बुलाया और सभी वृतांत सुनाया और कहा कि मैं पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न हो उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन अब हिमाचल के मेरे साथ विवाह नहीं करना चाहते। अब तुम हिमाचल और नैना को समझा कर आओ जिससे वे मेरे साथ पार्वती का विवाह कर दें। यह सुनकर मुनि लोग साथ चल दिए। सब हिमाचल के यहाँ पहुँचे। हिमाचल के तेजस्वी मुनियों का दर्शन कर आनंद से सत्कार किया और उनसे अपनी योग्य सेवा पूछी। वशिष्ठ मुनि का उपदेश। सप्त ऋषि कहने लगे, हे शैलराज, तुम ही पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ कर दो, क्योंकि शंकर जी जगत के पिता हैं और पार्वती जी जगत माता हैं, इससे तुम अपना जीवन सफल कर लो। यह सुनकर हिमाचल बोले, हे ऋषिगण, आप यह सत्य कह रहे हैं, किंतु अभी अभी एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर मुझे शिव के दोष बताए हैं और पार्वती की माता कोप भवन में बैठी है और वे कहती हैं कि मैं अपनी बेटी के विवाह शिव से कदापि नहीं होने दूंगी। इतना सुनकर सप्त ऋषियों ने पार्वती की माता के पास सदंती को भेजा। उसने नैना को बहुत समझाया और शिव तथा पार्वती के बारे में यथार्थ ज्ञान कराया। ऋषियों ने भी राजा हिमाचल को बहुत समझाया। उन्होंने कहा, पार्वती को शिव को देकर ससुर बनने का सौभाग्य प्राप्त करो। उनके सेवक गणपति कुबेर हैं, ब्रह्मा विष्णु के अंग हैं। तुमने यदि प्रेम से उन्हें कन्यादान ना किया तो वे बलपूर्वक तुम्हारी कन्या के साथ विवाह करेंगे। पार्वती को जन्म जन्मांतर से उनकी पत्नी है। देखो, राजा अनुनय ने बेबित होकर अपनी पुत्री ब्राह्मण को दे दी और अपनी तथा परिवार की रक्षा कर ली थी। ऋषियों का हिमाचल को समझाना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार राजा
अनरण्य का नाम सुनकर हिमाचल ने उनकी पूरी कथा सुननी चाही। इस पर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे पर्वतराज, चौदवे मनु इंद्र सारबणी नाम के हुए, उन्हीं के वंश में राजा अनन्य हुए। ये भक्त थे, सातों द्वीपों के ये अधिपति थे। इन्होंने अपने कुल के भृगु जी को आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए। उनके 5 रानियां थी, उनके 100 पुत्र तथा 1 कन्या थी। वह दशमी के समान सुंदर और पद्मा नाम वाली थी। यह कन्या राजा और रानी को बहुत प्यारी थी। एक बार विप्रलाद ऋषि ने एक मनुष्य को वन में अपनी स्त्री के साथ विहार करते देखा। ऋषि के मन में बार मिले यह विचार उत्पन्न होता रहा। एक पुष्प पत्रा नदी पर स्नान करते राजा अनन्य की कन्या सुंदरता पर मोहित होके पूछने पर आसपास के लोगों ने परिहास में उनसे कहा कि क्या आप इस पर मोहित हो गए हो? यह राजा अनन्य की पुत्री है, आप उनसे मांग लो। इस पर ऋषि लज्जित होके कि ये क्या बोल रहे हैं, उनके मन में उसे पाने की भारी लालसा लज्जित हो गई। शीघ्रता पूर्वक स्नानादि कर्म करके वे राजा की सभा में पहुंचे। राजन से कन्या की याचना की। इस पर राजा चुप हो गए। फिर कुछ देर बाद ऋषि ने कहा, राजा अपनी कन्या शीघ्र मुझे दे दो, अन्यथा कुल के सहित तुमको क्षण भर में ही मैं नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार मुनि के कहने पर राजा रोने लग गए। फिर सोचने लगे कि इस बूढ़े ऋषि को कन्या किस प्रकार दी जाए। उसी समय राजपुरोहित तथा राजगुरु वहां आए। उन्होंने समझाया कि हे राजन, कन्या का विवाह किसी के साथ करना ही है, अतः कुल की रक्षा के लिए ब्राह्मण को दान दे दो। इस पर बुद्धिमान राजा ने पुरोहित के कहने पर वस्त्र भूषण आदि के साथ कन्या का दान मुनि को कर दिया। पद्मा के साथ मुनि विवाह करके सुख पूर्वक अपने स्थान को चले गए। राजा राजपाट सुख पूर्वक अपने स्थान को चले गए। रानी की मृत्यु हो गई। राजा के बड़े पुत्र कीर्तिमान राज्य करने लगे। हे हिमाचल, इस प्रकार अनन्य ने मुनि को कन्या देकर अपने कुल की रक्षा कर ली, अतः तुम भी अपनी कन्या को शिव के लिए देकर अपने देवताओं को अपने अधीन कर लो। पद्मा विप्लाद की कन्या। हिमाचल विप्लाद की कन्या की कथा सुनने की इच्छा करने लगे कि विप्लाद ऋषि और पद्मा ने आगे किस प्रकार और कहां निवास किया। तब विशिष्ट जी बोले, हे पर्वतराज, वे विप्लाद अत्यंत वृद्ध थे, मुंह पर जूड़ियां पड़ रही थी, दांत नहीं थे, कमर झुक गई थी, कांप कांप कर जलते थे। इस प्रकार बूढ़े मुनि पद्मा को अपने यहाँ लाकर कुटिया पर निवास करने लगे। एक दिन वे पद्मा सरवणा नदी पर स्नान करने को गई। वहां धर्मराज राजकुमार का सुंदर रूप धारण करके अपनी परीक्षा लेने आए और उनसे बोले, हे सुंदरी, तुम तो राजधानी में महारानी बनने योग्य हो, इस बूढ़े विप्लाद के योग्य नहीं हो। ये बूढ़ा कब तक जिएगा, इसकी उम्र कितनी है जो इसके साथ विवाह कर रही हो? यह तो मौत के घाट पर बैठा है, इस कारण इस बूढ़े को त्याग कर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हृदय की रानी बनाऊंगा। और ऐसा कहकर पद्मा को पकड़ने के आगे बढ़े। तब तो पद्मा क्रोध से भरकर बोली, अरे ओ पापी राजा, दूर हट, तू पामाद है, मैं पतिव्रता हूँ, पति को त्याग कर तेरे साथ कैसे जाऊँ? मूर्ख, तू मुझे बुरी दृष्टि से देखेगा तो नष्ट हो जाएगा। तब तो पद्मा के इस शाप को सुनकर धर्मराज अपने असली रूप में सामने आए और बोले, माता, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, मैं तो सदा पर स्त्रियों को अपनी माता मानता हूँ, अब आपने मुझे शाप दे डाला, अब क्या होगा? इस पर पद्मा ने कहा, हे धर्मराज, आपने ऐसा क्यों किया?
मेरा शाप झूठा नहीं हो सकता क्योंकि पतिव्रता स्त्री का शाप कभी झूठा हो ही नहीं सकता। चाहे आकाश वायु तारे आदि नष्ट हो जाएं, अस्तु धर्म तुम चार पद वाले होंगे। सत्युग में चार, त्रेता में तीन और द्वापर में दो दो पाद होंगे। सत्युग में तुम्हारा एक भी पाद नहीं होगा। फिर सत्युग आने पर चार पाद हो जाएंगे। इस पर धर्मराज प्रसन्न हुए और पद्मा से बोले, हे पतिव्रता पद्मा, तुम धन्य हो। तुम अपने पति के चरणों में सदा प्रेम करो। तुम्हारा पति जवानी को प्राप्त होगा, उनकी जवानी स्थिर रहेगी तथा वे मार्कंडेय ऋषि के समान दीर्घायु वाले होंगे। पति के 10 पुत्रों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर धर्म चलेगे। अपने घर आकर पद्मा ने पति को सुंदर तथा जवान पाया और बहुत स्नेह तक सुख भोग कर 10 पुत्र प्राप्त किए। सप्त ऋषियों का शिव के पास आगमन। इस कथा को सुनकर हिमाचल ने ऋषियों से कहा, हे ऋषिगणों, अब मेरे मन का संशय मिट गया। मेरी धन संबंधी स्त्री उत्तर कन्या सब कुछ शिव के लिए अर्पण है। इतना कहकर फिर कहा, मैं वस्त्र अलंकार से युक्त पार्वती का शिव के साथ विवाह करने को तैयार हूँ। मेरा दृढ़ संकल्प है। तब सब ऋषि आनंद पूर्वक हिमाचल को और पार्वती को आशीर्वाद देकर अस्तदंती के साथ भगवान शंकर के पास चले गए। और हिमाचल के द्वारा शिव जी को पार्वती को दान करने की बात कही और उन्होंने शिव जी से कहा, हे नाथ, अब आप विवाह की तैयारी करें, समस्त देवगणों को निमंत्रित करें। हिमाचल का लग्न पत्रिका भेजना। इसके बाद हिमाचल ने अपने सखियों को बुलाकर गर्ग जी द्वारा लग्न पत्रिका दिखवाई और उसे भगवान शंकर के पास भिजवाया। शिव जी ने लग्न पत्रिका वाले पुरोहित का यथावत आदर सत्कार किया। तब हिमाचल ने विवाह की सामग्री इकट्ठी कर ली और मद्राचल, उदयाचल, अस्ताचल, विद्याचल, त्रिकूट, चित्रकूट, वैकट, श्रीगिरी आदि पर्वत, गंगा आदि सभी नदियां हिमाचल के घर निमंत्रित होकर आई। हिमाचल ने उनका सत्कार करके सुंदर स्थानों पर उन्हें बसाया। इसके बाद हिमाचल ने विश्वकर्मा को बुलाकर सभी आगंतुकों के लिए आवास स्थान बनवाए। विश्वकर्मा ने विवाह मंडप की अद्भुत रचना की। मंडप 10,000 योजन लंबा चौड़ा था, जो 40,000 कोस तक फैला था। उस मंडप में विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थावर जंगम, पुष्प, स्त्री पुरुष, विष्णु, इंद्र, नंदीश्वर, लक्ष्मी आदि की मूर्तियां बनवाई, जो रतन जड़ित स्वर्ण आदि के थे। वहां जल में थल और थल में जल दिखाई पड़ता था। उसे देखकर देखने वालों का मन मोहित हो जाता था। शिव जी का देवताओं को निमंत्रण। इधर नीति रिवाज करके नाथ को बुलवाया और कहा, हे नाथ, ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनि, सिद्ध, ऋषि, गंधर्व आदि को मेरी ओर से विवाह का निमंत्रण दे आओ और उनसे कहना कि अपने वाहनों पर परिवार सहित विवाह उत्सव में शीघ्र आवे। तब निमंत्रण के साथ ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं वाहनों पर चढ़ परिवार सहित आए। इनके बाद लोकाचार रीतियां की गई तथा शिव का श्रृंगार किया गया। तीसरा नेत्र मुकुट बन गया। चंद्रमा का तिलक धारण किया। कंठ में पड़े सर्पों के फन ऊंचे उठने पर कुंडल बन गए। चिता की वसम से शरीर चमकने लगा। भगंबर को और मृग चर्म को वस्त्रों की जगह धारण किया। फिर विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, आप गुहासुना विधि से विवाह करें, जिससे आगे लोक में भी इस विधि का अनुसरण हो। शिव जी ने ऐसा ही किया। तब ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया तथा मांगलिक कार्य करके शिव से ब्राह्मणों को नमस्कार किया और बारात सजाकर प्रस्थान किया। वर यात्रा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महादेव जी ने
अपने नदीश्वर आदि गणों को चलने के लिए आज्ञा दी और उस वहां रक्षा हेतु ठहरा दिए। उस समय गणों के स्वामी शंख करण करोड़ों गणों को साथ लेकर ये चले। कटाक्ष के 10 करोड़ विश्रम्ब तथा विकृत के साथ 8-8 करोड़ गण चले। ऋषि इसी प्रकार अन्य हजारों गण करोड़ों की संख्या में गणों के साथ सज दस्तर बरात में चल दिए। विष्णु भगवान अपने वाहन गरुड़ पर चढ़कर मध्य में चलने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि मैं भी वेद पुराण आदि धारण कर सनक प्रजापतियों के साथ चलने लगा। भगवान शिव सर्पों के आभूषण से विभूषित होकर चलने लगे। उनके साथ चंडी देवी सदा शिव की बहन बनकर सिर पर सोने का कलश लेकर परिवार के साथ एवं बहन के साथ वहां पहुंची। वह भी विलक्षण चरित्रों को करती हुई सब गणों को आगे करके चलने लगी। इस प्रकार शिव की बारात हिमाचल के नगर की ओर चल पड़ी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम भी बारात में जा रहे थे, तब शंकर भगवान ने विष्णु की सलाह से तुम्हें हिमाचल के पास भेजा। वहां पहुंचकर तुमने विश्वकर्मा के बनाए हुए मंडप को देखा। उसे देखकर तुम अपने सुत को बैठे। वहां हिमाचल उत्तर में नाग के साथ शिव बारात को लिवाने आए। तुमने मंडप की विचित्रता और माया पूर्ण रचना का वर्णन किया। इंद्र डरने लगा कि मैंने त्वष्टा के पुत्र को मार दिया था, तब पर्वतों के पंख काट दिए थे, इससे मेरे ऊपर कोई बदला लेकर प्रहार आदि ना करे। इस पर विष्णु भगवान ने कहा, हमारे साथ शंकर जी का साथ है, अतः हमें हिमाचल की माया का कोई भी डर नहीं है। तब हिमाचल के पुत्रों को आगे करके सभी देवता भगवान के साथ हिमाचलपुर में पहुंचे। देवता तथा पर्वतों का मिलाप भगवान शंकर की बारात को आया हुआ जानकर हिमाचल पर्वतों को साथ ले अगवानी हो आया। शिव बारात को देखकर हिमाचल चकित हो गए। जिस प्रकार पश्चिम और पूर्व के समुद्र आपस में मिलते हैं, उसी प्रकार देवता और पर्वत परस्पर मिले। फिर शंकर भगवान की आज्ञा से सभी को यथास्थान ठहराया। इसके बाद हिमाचल ने पुत्रों को भेजकर शंकर जी को मिलने की इच्छा से बुलाया। तब शंकर जी सभी देवताओं के साथ सज धज कर विलाप करने गए। तब मैना ने भी शिव को देखने की इच्छा प्रकट की। शिव की अनुपम लीला। मैना बोली, हे शिव को मैं इस समय देखना चाहती हूँ कि उसका कैसा रूप है। इधर शंकर जी उनके अभिप्राय को जानगे। देवगण से सजी बारात आगे थी, उसमें अप्सराएं आदि नृत्य कर रही थी। मैना ने कुछ विष्णु को देखकर पूछा, क्या है, यही शिव जी हैं? परंतु तुमने पीछे आती हुई भूतों और गणों की टोली में भगवान शंकर को दिखाया। उनके 5 मुख 10 भुजाएं विरूप शरीर आदि थे। उन्हें देखकर मैना भयभीत होकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी कि हाय, मैंने सोचा अच्छा सुंदर रूप होगा, ये तो और ही भूतों वाला रूप है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना को मूर्छित देखकर अनेकों दासियां भागी और उनके उपचार किए। होश आने पर वे रोने लगी। तब अपने पुत्र पुत्री नारद सप्तर्षि आदि की निंदा करने लगी, जिन्होंने पार्वती को शिव को पाने के लिए उकसाया। वे बोली, मैं क्या करूं, मुझे यह कौन सा दुख फल प्राप्त हुआ है? लोग मुझे क्या कहेंगे कि किसको कन्या दे डाली? तब मैंने मैना को समझाया कि तुमने शिव स्वरूप देखा ही कहाँ है, यह जो तुमने देखा है वह तो उनकी लीला मात्र ही है। हे मैना, तुम क्रोध को त्याग कर कार्य आरंभ करो। फिर इंद्रादिक लोकपालों ने समझाया। इस पर मैना को क्रोध आया और बोली, मैं तो शिव के साथ पार्वती का विवाह कभी नहीं करूंगी।
फिर हिमाचल ने उन्हें समझाया, देखो तुम्हारे घर सभी देवता एवं ऋषि पधारे हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव मत करो। तुम भगवान शंकर के व्यंग रूप को देखकर डर गई हो। वे तो अनेकों रूपधारी हैं तथा संसार के कर्ता हैं, जगत के स्वामी हैं। लेकिन मैना बोली, हे स्वामी, पार्वती का शिव के साथ विवाह नहीं होगा। मैं उसे गले में रस्सी बांधकर ऊंचे स्थान से गिराकर मार दूंगी। मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तब हे नारद, मेरे बाद विष्णु ने समझाया। विष्णु जी के द्वारा समझाने पर मैना कुछ स्वस्थ हुई और बोली, हे विष्णु जी, मैं शिव के साथ अपने कन्या का विवाह तभी करूंगी जब वे अपना असली रूप धारण करके आएंगे। शिव का सुंदर स्वरूप दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब मैंने तुम्हें तथा विष्णु जी को शिव जी के पास भेजा। शंकर जी की स्तुति भांति भांति करने पर उन्होंने अपना सुंदर और अद्भुत रूप धारण किया। तब नारद जी, तुमने मैना से कहा, देखो भगवान शिव का असली रूप देखो, वे तुम्हारे घर ही में आ रहे हैं। तब मैना ने देखा कि शिव रूप का स्वरूप तो बड़ा आनंदमय है। वे करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान है, बड़कीले वस्त्र और रतन जड़ित आभूषण धारण किए हैं, मंद मंद मुस्कान है तथा चंचल कमल के नेत्र हैं, श्वेत शरीर वाले प्रसन्नचित हैं और नंदी पर सवार हैं, चंद्रमा मस्तक पर शोभायाम है, विष्णु आदि सेवा कर रहे हैं, सूर्य सिर पर छत्र धारण किए हैं और गंगा यमुना तट पर दुला रही है। विश्व वस्तु और अप्सराएं शिव के आगे गान कर रही है। शिव का यह अद्भुत रूप देखकर मैना अति प्रसन्न हुई और हे मेरी पुत्री पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारा तप धन्य है। इस प्रकार कहने लगी, हे शंकर भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करना, मैंने आपकी बड़ी भारी निंदा की है। सभी पूर्ववासी नारियों में आकर उनका दर्शन किया, अक्षत और भी अपने घरों के कामों को अधूरा छोड़कर शिव दर्शन को आई और पार्वती के भाग्य को सराहने लगी कि वे साक्षात भगवान शिव की पत्नी बन रही है। सभी ने शिव जी का पूजन करके पुष्पों के दर्शन किए। वर आगमन वर्णन। इसके बाद भगवान शंकर जी हिमाचल के घर के निकट पहुंचे। तब मैना झटपट में पहुंचकर आरती सजाती हुई स्त्रियों के साथ द्वार पर मिलने आई। उस समय भगवान शंकर पहुंच गए। उनकी शोभा करोड़ों कामदेव के समान थी। सुंदर श्वेत भरण त्रिनेत्रधारी सुगंधित मालती पुष्पों की माला धारे, रत्न जड़ित मुकुट बाजूबंद मणि जड़ित गंडे आदि रत्न जड़ित स्वर्ण के आभूषण पहने, नाना प्रकार के विचित्र चमकीले वस्त्र धारण किए, चंदन अगर कस्तूरी से सुगंधित तरुण रूपधारी मंद मुस्कान करते हुए सर्वांग सुंदर भगवान शंकर के इस प्रकार मैना को दर्शन दिए। तब उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैना ने बड़े प्रेम से उनकी आरती उतारी। उसके बाद जगत माता पार्वती सुंदर श्रृंगार से युक्त होकर कुल देवताओं को पूजने के लिए निकली। इधर हिमाचल ने भगवान शंकर का भेद विधि पूर्वक उपवेद संस्कार भी कराया। फिर गिरिजा को वैदिक रीति से स्नान कराया तथा शिव जी के द्वारा दिए गए वस्त्र आभूषण आदि पहनाए। इनके साथ गंगाचार्य ने हिमालय से कहा, हे पर्वतराज, लग्न का समय निकट है, अब आप शंकर जी को बुलाइए। तब ब्राह्मणों ने जाकर भगवान शंकर जी विष्णु आदि देवताओं से कहा कि कृपा कर कन्यादान आदि के लिए पधारें। तब सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर बैल पर सवार हो हिमाचल के घर पधारे। इसके बाद कन्यादान का समय हुआ। फिर पार्वती जी की माता स्वर्ण कलश लिए हिमालय की बाई ओर आकर बैठी। हिमालय ने शिव जी से कहा, शंभो आप अपना
गोत्र प्रवर कुल नाम वेद शाखा आदि का उच्चारण करके ब्राह्मणों को बता दें। ये सुनकर महादेव जी तो चुप हो गए और नारद जी ने बिना की जयकार कर दी और हिमांशु से कहा, इनका गोत्र कुल क्या पूछते हो, ये तो जगत के पिता हैं, करता है इनका गोत्र कुल तो नाद ही है। शिव स्वयं नादनीय है और नाद स्वयं शिव नीय है। जो हम मंदिर में नाद बजाते हैं आरती के समय, घंटी खड़ताल शंख, ये सभी शिव का ही रूप है। नाद ही शिव है, शिव ही नाद है, दोनों में भेद काहे कार्य मनुख, ये तो एको एक है। इस पर हिमाचल आश्चर्य चकित हो गए। इधर देवता ऋषि जय जयकार करने लगे। इसके बाद संकल्प पूर्वक हिमाचल ने कहा, हे सकल जगत के ईश्वर भगवान, से धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यह कहकर जल सहित कन्या का हाथ सदाशिव के हाथ में दिया। जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी प्रसन्न हुए। हिमाचल ने रतन आभूषण, गऊएं, दासियां, हाथी, रथ आदि वस्तुएं दहेज में प्रदान की। तब मुनिजन और देवता शिव को पार्वती का अभिषेक करने लगे। ब्रह्मा का मोह होना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके बाद मेरी आज्ञा पाकर ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापन कराया, फिर ऋगु यजु साम आदि वेदों से हवन कराया। पार्वती जी के भाई मैनाक ने पार्वती जी को खीले दी। फिर मर्यादा के अवतार अग्नि परिक्रमा करने लगे। हे नारद, तब मैं पार्वती जी के चरणों को देखकर काम पीड़ित हो गया और मेरा वीर्यपात हो गया। इस मेरे कुकृत्य को शंकर जी ने देख लिया। इससे सभी देवता थर थर कांपने लगे कि हाय, यह क्या भारी नर्थ हो गया। तब सभी देवता हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप क्षमा करें, आप प्रसन्न हो, मुनि जन आपके चरणों का आश्रय लेते हैं। अनेकों प्रकार की स्तुति पर भगवान सदाशिव ने मुझे क्षमा कर दिया। हे नारद, जब मैंने अपने वीर्य को पांवों से मोड़ दिया तो उनके अनेकों कण हो गए, उससे उनके हजारों बाल्य खिल्य ऋषि हो गए। वे सभी बड़े तेजस्वी थे। वे उठकर मुझे पिता कहकर पुकारने लगे। तुमने उनसे कुपित होकर कहा, हे ऋषियों, तुम्हारे यहाँ कोई कार्य नहीं, तुम गंध मादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य होकर तप करो। तब वे भगवान शंकर को प्रणाम करके गंध मादन पर्वत पर चले गए। शिव द्वारा कामदेव को जीवन दान। हे नारद, उस समय रति कामदेव की वसम एक पोटली में लेकर शंकर जी की शरण में आई और बोली, हे प्रभु, आपके इस विवाह में सभी स्त्रियां तथा सरचर जगत प्रसन्न है, फिर मैं ही क्यों पति के बिना दुखी रहूं? उसने नाना भांति से रुदन प्रारंभ किया। उनके रुदन को सुनकर सरस्वती आदि स्त्रियां रोकर शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे दीनानाथ, आप अवश्य काम को जीवित करें, तभी तो आप भी रति विहार का सुख प्राप्त कर सकेंगे। प्रार्थना सुनकर सदाशिव ने भस्मी की पोटली पर कृपा की दृष्टि की। उससे कामदेव जिंदा हो गया। उसने उठकर शिव को प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम वरदान मांगो। कामदेव ने कहा, हे प्रभु, अपने चरणों की भक्ति प्रदान करो तथा आपके भक्तों में मेरा अनुराग बना रहे। शिव जी ने कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अब निर्वे विचरण करो और विष्णु जी के पास बैठो। हिमाचल के प्रेम और आदर सत्कार से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे हिमाचल, तुम धन्य हो, तुम धर्म मूर्ति हो, तुम्हारे सिवा त्रिलोकी में कोई नहीं है, तुम्हारे पास रहते बहुत दिन हो गए। परंतु हिमाचल ने उन्हें 2 दिन के लिए रोक दिया। 2 दिन बाद सप्त ऋषियों के द्वारा देवताओं ने कहलाया कि सदाशिव आज जाने का निश्चय कर चुके हैं तथा देवता भी अपने अपने स्थान को जाएंगे। इस पर मैना ने शिव जी को बुलाकर पार्वती को उन्हें भेंट किया और बोली, हे कृपानिधे
मेरी ये पुत्री पार्वती आपके जन्म जन्मांतरों की दासी है। आप ये सदा के लिए आपकी सेवा करेगी। इसको प्रेम पूर्वक पालना, इससे आपकी निंदा में बारी व्याकुलता होती है। कोई भी इसके सामने आपकी निंदा ना करे। इससे संसार का कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस प्रकार मैना रोने लगी। तब शंकर जी ने उसे बार बार समझाया, पतिव्रता धर्म वर्ण। सप्त ऋषियों के कहने पर हिमाचल ने मैना से कहकर पार्वती जी को विदा करने के लिए तैयार कराया। मैना ने पार्वती को सुंदर श्रृंगार कराया। एक बार ब्राह्मण की स्त्री ने आकर पार्वती जी को पतिव्रता स्त्री का धर्म समझाया। पति के भोजन करने के बाद भोजन करे तथा पति के सोने के बाद ही सोवे। पति से कभी बोझ ना करे, उनकी आज्ञा का प्रेम पूर्वक पालन करे। पतिव्रता कभी द्वार पर खड़ी ना होवे, कभी अपने अंगण द्वार में ऐसे ना घूमे, हमेशा अपने चार द्वारी के अंदर ही रहे। दूसरे के घर बिना कारण ना बैठे। पति के काम की वस्तुएं तथा स्थान घर के काम संभाल करके रखे। घर के काम काज की चतुर होवे, मतलब कि घर के काम काज करने में सियाणी होवे, जैसे आप बोलते हैं। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा तथा किसी स्थान पर ना जाए। अगर पति भेजे तभी ही जाए। तीर्थ जाने की इच्छा होने पर पति का चरणामृत पान करे। कि अगर तीर्थ ही जाना तो पहले अपने पति के चरण तो तीर्थ में जावे, क्योंकि जो स्त्री होती है उसके चारों धाम पति के चरणों में ही होते हैं। लेकिन आजकल कर चुके हैं कोई कोई संस्था है। पति की आज्ञा के बिना उपवास भी ना करे। सोते बैठते कभी भी पति को ना सतावे, कभी भी पति को दुखी ना करे। प्रीत रोगी धनहीन दीन कैसा भी पति हो, कभी भी उसका त्याग ना करे। चाहे कुछ कमाई के न्यादा हो, चाहे ना जाए, कैसा भी हो, कभी भी उनको तलाक ना हो। ध्यान रखने इस बात का, ठीक है, ये आपके लिए बोलने जा रहे हैं सबके। तथा ना उसकी कभी मुंह से निंदा करे। शूदर व्यभिचारिणी स्त्रियों से मित्रता ना करे। जो स्त्रियां अच्छी सोच वाली नहीं होती हैं, बुरे कामों में ध्यान होता है, उनसे अपनी दोस्ती ना करे, उनको अपनी सखी ना बनाए। दुख या सुख किसी भी समय पति से विमुख ना होवे। चाहे कैसी भी स्थिति हो, हर स्थिति में जैसी भी स्थिति हो वैसे ही बनकर रहे अच्छी तरीके से। पति को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा समझे। ये जो अपना घरवाला है उसको ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा दर्जा दे। पति से कभी कुटिलता से ना बोले, कभी कटु वचन ना बोले। सास जिठानी आदि बड़ों के सामने कभी भी जोर से ना बोले तथा ना जोर से हंसे। हे पार्वती जी, तीनों देवों की प्रार्थना से स्त्री की पत्नी ने शाप द्वारा 12 से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। आप तो सर्वश्रेष्ठ हो तथा जगत का कल्याण करने वाली हो। यह शिक्षा तो मैंने लोक उपकार को कही है। इस प्रकार उपदेश करके तथा पार्वती को आशीष देकर ब्रह्माणी वहीं बैठ गई। शिव कैलाश गमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके बाद उस ब्रह्माणी के द्वारा कहे वचन के अनुसार मैना ने पार्वती जी को पालकी में बैठाकर विदा किया। सबने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया। हिमाचल तथा मैना ने आशीर्वाद देते हुए पार्वती जी को अमूल्य आभूषण तथा धन और वस्त्र आदि दिए। तत्पश्चात हिमाचल ने महादेव जी को प्रणाम किया और विष्णु जी आदि देवों से गले लगाकर मिले। फिर सबको कुछ दूर तक पहुंचाएंगे और देवताओं से आगे लेकर हिमाचल घर को लौट आए। इसके बाद शंकर भगवान सभी के साथ कैलाश पर आगे। वहां सदाशिव ने लोको रीत के अनुसार सभी बारातियों को
ये सभी देवता शिव जी की आज्ञा लेकर एवं उन्हें प्रणाम करके अपने अपने लोक को चले गए। बोलिए शंकर भगवान पुराण भगवान की श्री सात सनातन धर्म की जय कारा गुणा हरि जी का बोलिए हर हर महादेव हर हर महादेव। तुम्हारे कौन कहे है खेलन दीपों का ये सारे खेल तुम्हारे हैं। कौन कहे है खेलन दीपों का। मैं धन और दौलत क्या मांगू मैंने सुना तो यार गरीबों का। मैं धन और दौलत क्या मांगू मैंने सुना तो यार गरीबों का। Thank you.
तुम्हारे हैं कौन कहेंगे खेल नसीबों का सारे खेल तुम्हारे हैं कौन कहेंगे खेल नसीबों का मैं धन और दौलत क्या मांगू मैंने सुना प्यार गरीबों का मैं धन और दौलत क्या मांगू